हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमा लूथरा एंड वेलकम टू श्री रमा लूथरा क्लासेस। आज है हमारे साथ मनीषा, जो सेबी ग्रेड ए के ऑफिसर बन चुके हैं। बट थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इनका एग्जाम 22, सेबी ग्रेड ए 22 के ऑफिसर है, जिनको अभी ज्वाइनिंग मिलेगी 23 में, क्योंकि काफी वेटिंग लिस्ट में नाम था और अभी उनका मतलब मेल आया 1 महीने पहले कि वो एक ग्रेड ए के ऑफिसर बन चुके हैं। सो मैंने सी रमन लूथरा क्लासेस के फुल कोर्स, सेबी ग्रेड ए फुल कोर्स के स्टूडेंट हैं, और ये सेकंड टाइम इन्होंने एग्जाम दिया था। फर्स्ट टाइम एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए थे सेबी का, सेकंड टाइम ने इस एग्जाम को क्लियर किया। सो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग अ सेबी ग्रेड ए थैंक यू ऑफिसर। सर। ये इंटरव्यू आपका है और इधर से आपको मैं पास ऑन करता हूँ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आगे देनी है स्टूडेंट्स को, जो भी एग्जामिनेशन सेबी PFRDA IFSC का लेटेस्ट एग्जाम है उसको कैसे अप्रोच कर यस सकते हैं सर। और कैसे इस पर्टिकुलर इन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को पा सकते हैं। तो आप अब अपनी यस जर्नी के बारे में बताएं। श्योर सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थोड़ा लेट था सेबी के साथ ज्वाइन करने में, बट फॉर्चुनेटली यू नो आई वाज एबल टू मेक इट इन द लिस्ट। सो और आपने यू नो व्हेन आई टुक द आई दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट एज सर मेंशन कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स। सेकंड अटेम्प्ट में आई वेंट टू द इंटरव्यू एंड स्कोर गुड एंड आई वाज इन द मेरिट लिस्ट। सो सेकंड अटेम्प्ट में आई टुक योर फुल कोर्स एंड आई थिंक आपका जो क्रिस्प और कंसाइज नोट्स थे फिर दैट हेल्प मी अ लॉट एक्चुअली, क्योंकि बेसिकली जो फेज वन जो होता है विच इज मोर ऑफ अ क्वालिफाइंग इन नेचर, तो फेज वन में जो पेपर टू है दैट इज मोर ऑन द कंसेप्चुअल पार्ट। उसमें वो आपको कोई इन डेप्थ क्वेश्चन या कुछ नहीं पूछते, इट्स जस्ट दैट कि अगर यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट यू कैन इजीली स्कोर दैट मच मार्क्स कि आप क्वालिफाई हो जाओ। सो आई थिंक उस हिसाब से योर नोट्स वर एक्सेलेंट, बहुत क्रिस्प एंड कंसाइज थे। एंड ऑल्सो द बेस्ट थिंग अबाउट दैट वॉज की चैप्टर वाइज MCQ, आई थिंक दैट वॉज अ स्टैंड आउट थिंग, क्योंकि वो रिविजन में इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट नोट्स अगेन इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप MCQ के तरीके के जा सकते हैं, बिकॉज दैट गिव्स यू एन आइडिया कि एग्जाम में भी कैसे आपको सॉल्व करना है, तो वो टाइम का भी आपको थोड़ा पता चलता है। इन नटशेल इट्स लाइक अ मॉक ओनली, तो वो चीज बहुत अच्छा था, आई रियली फाइंड दैट यूजफुल। एंड फेज वन पेपर वन जो था तो उसमें बेसिकली देर आर फोर आइटम्स, इंग्लिश है, क्यू है, रीजनिंग है। अगेन आई वॉट आई वुड यू नो सजेस्ट इज कि वो मैंने भी वही चीज किया था कि जिसमें आप स्ट्रांग हो यू हैव टू यू नो कीप योर स्ट्रेंथ इन दैट, बट वीकनेस को भी आपको थोड़ा वर्क करना है उसमें। तो माई गुड पार्ट वॉज कि मैं इंग्लिश में रीजनिंग एंड मैथ्स में आई वॉज ओके ओके, मैं दोनों में से किसी में एकदम स्ट्रांग नहीं था और एकदम वीक भी नहीं था, बट इंग्लिश वॉज माई स्ट्रांग पार्ट, तो वो तो मैंने किया हुआ ही था। GK मैंने एकदम ही मतलब लास्ट 2 महीने का सिर्फ पढ़ लिया था, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। और इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग में आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैं बहुत रिवाइज किया था उस चीज को कि भाई एटलीस्ट उतना आ जाए जितना मेरे को क्वालिफाई कर सके। और उसमें भी आई वुड सजेस्ट द सेम थिंग कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एनी फ्यू टॉपिक्स विद इन मैथ्स और QA, इट इज बेटर टू कवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें रीजनिंग में ऐसा हुआ था ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन पजल्स में से पूछे थे, और सपोज अपने पजल के अलावा सब कुछ किया है एंड पजल छोड़ दिया देन वी आर डन, तो वो चीज आई वुड सजेस्ट कि ना करें एंड वी कैन यू नो फोकस ऑन कंसेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स, और जितने जितने टॉपिक्स में आप बहुत कंफर्टेबल हो उसमें आप एडवांस लेवल भी जा सकते हो, सो दैट विल कवर ऑल द बेसिस। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड। और तो फेज वन में ऐसा मेरा क्वालिफाई हो गया था उस चीज में। फेज वन के फेज मैं टू थोड़ा अगेन इट सा वाज अभी एक बार हाँ सर ब्रेक 2 मिनट रोकूंगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे को रीच आउट कर रहे हैं। आपने अपने अच्छे से वो फेज वन का पेपर वन समझा दिया। अभी के टाइम पे काफी सारे स्टूडेंट्स जिनका QRE ठीक नहीं है वो काफी मेरे को रीच आउट कर रहे थे IFSC के एग्जाम के लिए। सो थैंक्स अलॉट, वो आपने सब कुछ अभी क्लैरिफाई करते कि कैसे पढ़ सकते हैं उस चीज को ना। ठीक है, मैंने अब आपको सर फेज 2 के बारे में बताओ। या और फेज टू में बेसिकली इट्स ऑल इन, जितना भी यू नो व्हाट एवर एफर्ट्स यू कैन पुट इन यू हैव टू पुट इन। एज सर मेंशन आई थिंक कि मैं जॉब के साथ साथ कर रहा था तो इट वाज दैट मच मोर डिफिकल्ट फॉर मी, बट स्टिल आई मैनेज्ड इट समहाउ। तो इफ यू आर डूइंग इट विद जॉब यू नो टू ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल, जितना आप डेली का कवर करोगे अपना टारगेट। आई थिंक आपने भी एक वो डेली का शेयर किया हुआ था, तो आप लोग डेली का जो आप लेक्चर्स लेते थे एवरी ऑल्टरनेट डे, आई वॉज ट्राइंग टू यू नो कि एंड ऑफ द वीक में मेरे वो सारे लेक्चर्स हो जाए, तो उतना ही आपको एंड में उतना ईजी रहेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो वो चीज डेली तो एंड में वो क्यूमुलेट होता जाएगा और वो फिर एंड में इट्स लाइक कि भाई अब नहीं होगा, तो बेटर है कि जितना कंसिस्टेंट रह सके उतना रहना है।
एंड इफ समवन इज नॉट डूइंग अ जॉब एंड जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, उनके लिए तो एकदम ही मतलब आप पूरा दिन फोकस करके पढ़िए. उसमें मैंने टू गेट अ होलिस्टिक व्यू आई हैड रेफर टू मल्टीपल सोर्सेस. आपका लेक्चर था, फिर इंस्टीट्यूट का था, सो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई हैड एक्सेस टू यू नो ऑल दोस थिंग, और वेबसाइट पे अवेलेबल भी रहता है, तो यू कैन गो थ्रू इट एट अ वेरी बेसिक लेवल. उसमें काफी एडवांस होता है, बट वी कैन यू नो फॉर एमसीक्यू पर्पस वी कैन सी कि हाँ ये चीज हम कवर कर सकते हैं. सो वो मल्टीपल सोर्सेज आप एक बार देख लो. सर का भी बहुत ही सही था. तो उसके बाद वंस यू आर यू नो यू डिसाइडेड द मटेरियल, डोंट यू नो जंप ऑन अदर मटेरियल्स. वो जो आपका मटेरियल हो गया, यू कीप ऑन रिवाइजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. तो वो कैसा है कि आपके दिमाग में छप जाएगी वो चीज, फिर आप वही चीज किसी और मटेरियल में पढ़ते हो, उसमें कहीं किसी और तरीके से लिखा हुआ है, तो वो आप उसमें कंफ्यूज रहोगे. बेटर स्टिक विथ डिसाइड योर मटेरियल फर्स्ट हैंड कि आपको ये चीज करना है, ये सब्जेक्ट के लिए ये चीजें करनी है, ये टॉपिक्स है. आप पहले उसको डिसाइड कर लो, उसके बाद ही अपना स्टार्ट करो. और जहां तक बात है बीइंग अ सीए, मेरे लिए अकाउंट्स कॉस्टिंग और कंपनीज एक्ट कंपैरेटिवली इजी था बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ माय करिकुलम. तो उस चीज दैट वर माय स्ट्रेंथ, दीस थ्री थिंग्स वर स्ट्रेंथ. और दूसरे जो सब्जेक्ट थे मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, वो थोड़ा मेरे को रिवाइज करना पड़ा था काफी ज्यादा बिकॉज थियोरेटिकल थे, एंड ऑल्सो वो लास्ट हमने 11th 12th में पढ़ा हुआ था, तो वो हुआ नहीं था. तो अगेन आई वुड ऑन माई वीकनेस आई ट्राइड टू मेक श्योर कि भी मेरा वीकनेस उतना भी मेरे को लेके ना डूबे, एंड मेरा जो स्ट्रेंथ है दैट इज समथिंग माई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी. अगर कंपनी का कुछ आता है देन डेफिनेटली आई एम नॉट सपोज टू यू नो लेट इट गो, आई हैव टू गेट फुल मार्क्स ऑन दैट. तो मेरा वही व्यू था और उसी हिसाब से मैंने दिया था. सेकेंडली आई थिंक इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. इफ वन इज कंफर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज और हाउ टू राइट एन एसे, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. और आई थिंक मैडम ने मेरे को बहुत अच्छे रिव्यूज दिए थे, मैंने आपका टेस्ट लिया हुआ था एंड आई थिंक आई गॉट अ वेरी वैल्यूबल फीडबैक और आई वर्कड ऑन इट एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन इंग्लिश एज वेल. तो आई थिंक दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट गुड मार्क्स. और ओके सेकेंडली इंग्लिश ऐसा है कि यू नो इट कैन बी एनी थिंग, सो इन जनरल आपको रेडी रहना है हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस. सो उसके लिए यू कैन रीड न्यूज पेपर ऑन अ डेली बेसिस, यू नो यू कैन गो थ्रू एनी एप्लीकेशंस ऑन मोबाइल. अभी तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए जो शॉर्ट में आपको बताता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो यू कैन कीप ऑन रीडिंग इट ऑन अ डेली बेसिस. तो उस हिसाब से ना अपने आप ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो पकड़ है जो चाहिए वो लैंग्वेज पे दैट विल गेट रिवाइज एवरी डे. एंड वंस आई वाज कंफर्टेबल विद ऑल दिस थिंग, व्हाट आई डिड वाज द मॉक. मैंने एकदम भर भर के मॉक किया था बिकॉज आई एज मेंशन ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरे से गलती हो गया था, आई डिडेंट गो फॉर टू मैनी मॉक्स. तो वो जब मेरे को पेपर आया तो आई वॉज लाइक एकदम फ्राइटेंड था मैं, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया था एग्जाम से पहले. तो ये चीज मैंने इस बार ठीक किया कि मैंने पहले से ही 15-20 दिन 1 महीने पहले से स्टार्टेड गिविंग मॉक एग्जाम्स. तो वो क्या होता है कि जो गलती आप एग्जाम में करोगे ना वो मॉक में कर लो तो बेटर रहेगा. तो आप उसपे सीख सकते हो, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे को ज्यादा टाइम देना है, यहाँ पे मेरे को कम टाइम देना है. तो इस हिसाब से यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. तो वो एग्जाम्स में आपको उतना ही, आप जितने मॉक्स लोगे उतने ही कंफर्टेबल यू फील कि हाँ चलो अभी तो आई कैन क्रैक इट. और सेकेंडली ऐसा था कि जब when you go to that you know Ahmedabad में जा था, तो when you go to that center the computer and you know the things that they give you, it is not very user friendly to be very frank. थोड़ा वो थोड़ा रहता है कि भाई अपने जैसा स्मूथ जैसे अपने को मिलता है कोई लैपटॉप या पीसी वैसा नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत हमको सीखना पड़ता है. तो वो चीज भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में था कि पहला 15 मिनट तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है. मतलब लाइन भी हमको ऐसे वो नहीं जा रहा, हमको मैन्युअली उसको लेके जाना पड़ता है. बैक पे एंटर दबा रहा हूँ तो अपने आप ही नीचे चला जाता है, पता ही नहीं चलता कर्सर कहाँ है. तो वो चीज ना सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे को बहुत काम आया क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी था मुझे कि वो कैसे काम करने वाला है. सो यू नो ट्राई टू गेट एज मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सीनियर्स और जिन्होंने दिया हुआ है, उससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो उस चीज के लिए. तो दीज आर द थिंग्स दैट आई मेक श्योर कि मैं ये ना करूँ ये चीज. और सेकेंडली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि फेस टू का पेपर टू इट इज लाइक कि आपको हर एक बंदा आपका यू नो ही इज अ कॉम्पिटिटर. एवरी पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू और वेर एवर ही सिटिंग इज अ कॉम्पिटिटर, यू हैव टू स्कोर हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स. तो इस बार का ऐसा हुआ ना कि फर्स्ट हैव अ क्विक गो थ्रू ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस. अगर 50 क्वेश्चन है तो पहले 50 और 50 कर लो. जैसे अगर आपको 30-30th पे आप अटक गए कि ये न्यूमेरिकल है और मेरे को ये करना ही है, मेरे को आता है, बट समहाउ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, लीव इट.
फर्स्ट आप 50 करो, उसके बाद आप जिसको आपको नहीं पता उस पे जाओ, क्योंकि तो ये क्या होता है, आप उस पे अटक गए, फिर 15 मिनट चली गई, जिसको आता होगा वो भी आप गलत कर रहे हो। तो दैट वुड बी अगेन वन ऑफ माई सजेशन कि पहले गो थ्रू द एंटायर पेपर, पहले सिलेक्ट करो जो आपको एकदम अच्छे से आता है, देन यू वर्क ऑन दोज क्वेश्चन जिसपे आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो यू कैन गेट दोज आंसर्स। तो वो आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ाता जाएगा कि हाँ चलो इतना तो मेरा हो गया, तो मेरे को थोड़ा ही और करना है, थोड़ा ही और करना है। एंड बाय द टाइम यू एंड इट, यू विल सी दैट आपने ऑलरेडी 40-45 तक आप तो पहुंच गए हो आराम से। तो दैट विल एजुकेटेड बी अ गेस बिग करना बूस्ट। भी जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम हाँ हाँ काफी हाँ क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर नहीं बहुत नहीं कम है। नहीं मार्जिन ऑफ एरर रहता है, तो आपको वो थोड़ा फिर वो रिस्क एनालिसिस उस टाइम पे करना पड़ेगा कि मेरा कितना सही हो गया, हो सकता है, और मैं इसमें कितना रिस्क ले सकता हूँ। जैसे 10 में से अगर आप सोचो कि 4 या 5 में रिस्क ले सकता हूँ, तो डोंट गो फॉर ऑल 10, आप 4 या 5 में उसको कैलकुलेट करके उस हिसाब से रिस्क आप ले सकते हो। तो वो फिर अपर द बेसिक इज कि आप पहले अगर सारे जो आते हैं वो टिक कर दो, तो दैट विल बी अ बिग बूस्ट टू द कॉन्फिडेंस। तो आपको अपने आप फिर सब फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी अगर करंट में मैं देखूं, जो आप एक हेल्प कर सकते हो स्टूडेंट की, तो आज के टाइम पे जो सारे बच्चे काफ़ी सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं IFSC के यस एग्जाम के सर। लिए, जिसका पैटर्न सेम है सेबी और PFRD जैसे। सो जितना मेरे को अभी करेक्ट तक ओके। अंडरस्टैंडिंग मिला है, उसमें यह है कि जो आपका मेंस का एग्जाम है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम को आप मैनेज करके क्वालिफाई कर सकते हो स्मार्ट वर्क करके, करेक्ट करेक्ट पढ़ के, करेक्ट बट पढ़ना राइट जरूरी है, राइट ऐसा नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस का वही छूट जाए। फिर उसके बाद जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ, उसका जो दो एग्जाम है पेपर 1 एंड पेपर 2, उसमें पेपर 2 इज वेरी क्रिटिकल, उसको आपको अच्छे नंबर स्कोर करेक्ट करना ही करना करना है, तब जाके आपको ही है, इंटरव्यू का चांस करना मिलेगा। और आपको अगर ही है। इंटरव्यू का चांस मिलता है, उसके बाद भी पेपर 2 इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ज्यादा नंबर स्कोर करे होंगे तभी आपको फाइनल लिस्ट के अंदर ज्यादा नंबर मिलेंगे। फाइनलिस्ट में तो डेफिनेटली पेपर 2 ऑफ मेंस एग्जाम इज वेरी क्रिटिकल, उसके लिए तो आपको बहुत अच्छे से हंड्रेड यस परसेंट देना ही पड़ेगा, ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं यही बोलूंगा डेफिनेटली कि ऐसे कोई, ठीक है, एजुकेटर्स जो भी है मार्केट में और स्टूडेंट्स, उनको ठीक है थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे IBPS इतना भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो कभी भी चेंज कर देता है पैटर्न को, नहीं एग्जामिनेशन को, कुछ भी चेंज कर देता है। तो पढ़ना आपको सारा पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आप ऑफिसर बनने के लिए जा रहे डेफिनेटली हो, बनने के लिए आप वो एग्जाम दे रहे हो। सो मैंने अगर अभी अगर आपको IFSC जो भी करंट एग्जाम हो रहा है, फिर सेबी का जो नेक्स्ट एग्जाम 23 में होने वाला है, जिसके बारे में आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही मेरे को इन्फॉर्मेशन देने की कब होने वाला है एग्जाम, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते हो, फिर जो आपने बता दिया उसी को सम अप करके कि कैसे करना चाहिए, वो आप बता दो बस। यस सर। सर फेज 2 एज यू मेंशन, इट इज वेरी क्रिटिकल टू स्कोर गुड, वेरी गुड मार्क्स इन फेज 2 पेपर 2। तो बेसिकली वही है कि एक तो आपको कंसेप्चुअल यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी कंसेप्ट, बिकॉज जहाँ जो दो अटेम्प्ट मैंने दिए हैं वो दोनों में द क्वेश्चंस वर वेरी कंसेप्चुअल, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था बट बहुत ही कंसेप्चुअल। सो यू हैव टू बी कंसेप्चुअली वेरी क्लियर, आपको एडवांस लेवल तक नहीं जाना बट कंसेप्चुअल यू हैव टू बी वेरी क्लियर। एंड सेकेंडली एज आई मेंशन की मॉक्स जो आप देते रहे, जैसे आपका जैसे रिविजन करते वक्त आपका जो चैप्टर वाइज का था, तो इफ यू नो भी उसके साथ साथ अगर हम वो कंटिन्यू साइमल्टेनियसली अगर वो भी दे रहे हैं, तो अपने आप ही रिविजन भी हमारा हो गया। सो रिविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और मॉक्स भी इम्पॉर्टेंट है। सो कुछ मतलब सेकेंड में तो मतलब ऐसा है कि अगर कुछ छोड़ के जा रहे हो दैट इज एट योर ओन रिस्क। सो ट्राई टू कवर एज मेनी थिंग एज यू कैन, और जैसे जितना हो सके उतना फुल ऑन करना ही है। एंड बाकी रमन लूथरा रिविजन सर एंड आई, मॉक इज समथिंग। बाकी सी हाँ रमन बाकी रमन लूथरा लूथरा। सर अच्छा, मैंने यस और मैं सर बहुत टाइम तक रिलेक्टेड रहे, उनका एग्जामिनेशन हो गया, बट इंटरव्यू तक 1-7-8 महीने का टाइम हो गया था, फिर भी बीच बीच में मैंने हाँ का फोन आता था कि मेरे को कॉल नहीं आया अभी सिलेक्शन का कुछ है, मैं भी कहता था हाँ अभी यस मैं यस देख रहा हूँ यस कुछ मिल जाए इन्फॉर्मेशन। बट आपके सिलेक्शन से पहले, 1 हफ्ता पहले मैंने आपको बता दिया था कि सिलेक्शन के हाँ एक चांसेस हफ्ता हैं, पहले आपने बताया कि था। हाँ सिलेक्शन के हाँ चांसेस आपका आपको कॉल मेल आ आ, गया हाँ कि हो सकता है था। यस आपको यस मेल आ जाए सिलेक्शन की। चलो, मैंने, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। बाकी सीए रमन लूथरा श्योर क्लासेस सर का एक थैंक यू। ट्रेडिशन है, जिसके अंदर जो भी आगे जाके स्टूडेंट्स अगर मेरे को रीच आउट करेंगे कि मेरे को मने सर से बात करनी है, तो मैं आपको उनके साथ कनेक्ट करवाऊंगा ना, श्योर थोड़ा सर सा गाइड नो करने के प्रॉब्लम लिए। सर ठीक ऑलवेज है, और श्योर कुछ सर ऑलवेज चलो, रेडी टू हेल्प नो कॉल्स। ओके, कंग्रेचुलेशंस अगेन मने, होपफुली अब थैंक यू नेक्स्ट टाइम सर जब बात थैंक यू करेंगे सो तो आप मच। काफ़ी अच्छी पोजीशन पे सेबी में काम कर रहे होंगे। श्योर सर ऑल द थैंक यू बेस्ट, सो मच। द बेस्ट, थैंक यू बाय ओके, सर। बाय।